महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दिया है। इसी के साथ ये तय हो गया है कि अब शिंदे की सरकार आगे बरकरार रहेगी। फ्लोर टेस्ट में शिंदे के पास होते ही शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र में सोमवार को भाजपा और शिंदे गुट ने 164 मतों के साथ विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। महाविकास अघाड़ी के पक्ष में 99 मत पड़े तो वहीं कांग्रेस के 9 विधायक समेत 21 गैर हाजिर रहे। इससे पहले शिवसेना के विधायक संतोष बांगड़ और श्याम सुंदर शिंदे ने फ्लोर टेस्ट के दौरान एकनाथ शिंदे के पक्ष में वोट डाला। शिंदे के साथ गोवा जाने वाले राहुल पाटिल और कैलाश पाटिल आखिरी समय में वापस उद्धव ठाकरे के गुट में शामिल हो गए। दोनों ने शिंदे के खिलाफ वोट डाला। भले ही बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जीत बताई जा रही है, लेकिन सदन में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का ईडी वाला एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। इधर सीएम के आगमन के लिए ठाणे शहर को सजाया जा रहा है। शिंदे 20 जून के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बनकर ठाणे जाएंगे। सीएम शिंदे ठाणे जिले से पिछले कई सालों से विधायक हैं। हफ्ते भर पहले उद्धव सरकार को बहुमत दिलाने के नाम पर रो पड़ने वाले विधायक संतोष बांगड़ का शिंदे गुट में शामिल होना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर उद्धव ठाकरे शिवसेना को फिर से मजबूत करने के लिए सेना भवन में राज्य के जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई।